पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, जहाँ देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहाँ देखिए हाईवे बन रहे हैं। अच्छा, और जहाँ देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। झूठ बोलो, थोड़ी मर्यादा रखिए साले तू। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जुम करो, जुम करो, जुम करो। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी, और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे आप? दे शर्म, शर्म करो, शर्म। आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना रहे हैं, अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू पे तो पैसा दीजिए किसान को, आप क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो अखिलेश यादव जी, हर सरकार स्कीम चलाती है, आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए, हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं, आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था उनका, एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहाँ है सोलर पैनल। अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी। मजा आया, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा, मुश्किल इस बात की है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी, और 2014 2019 के चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां, और और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूँ, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दिए लखनऊ में, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। खत्म।